In this video, I will explain how to calculate weighted average cost of capital. If you see the formula of WACC, it says कि भाई आप WACC कैलकुलेट करने से पहले यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और अगर वहां पे प्रेफर स्टॉक है यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक। जब ये आप कैलकुलेट कर लें देन यू मल्टीप्लाई विद देयर वेटेज, यानी अगर डेट की वेटेज जो है वो 30% है, इक्विटी की 70% है, तो जो डेट की कॉस्ट है वो 0.30 से मल्टीप्लाई होगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो है 0.70 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू कम अप विद द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो वैक की कैलकुलेशन करने के लिए आई सिलेक्टेड एबट लेबोरेटरीज दैट इज लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी हम जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, फिर इसकी वेटेज देखेंगे कि डेट की वेटेज कितनी है, इक्विटी की वेटेज कितनी है, फिर इससे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट को उसकी वेटेज से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की उसकी वेटेज से, फिर हमारे पास जो है वैक कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेशन। कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले फार्मूला यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये है कि प्री टैक्स जो है कॉस्ट ऑफ डेट जो है उसमें यह है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल डेट। तो अगर यहाँ पे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस देखें 558,000 जो है डिवाइडेड बाय डेट जो है 17.7 बिलियन जो है, ये थाउजेंड्स में अमाउंट है यहाँ पे और ये यूएस डॉलर में है क्योंकि ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो यूएस डॉलर में अमाउंट है। तो इसका जो है जो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ डेट है यानी प्री टैक्स जो है वो यहाँ पे 3.13 आता है, यानी नॉमिनेटर आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय डेट आ जाएगा, तो ये 3.115 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है उसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये बेसिकली टैक्स बेनिफिट है जो भी डेट अवेल करते हैं, तो अब इसमें जो है 1 माइनस टैक्स रेट जो है उसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसके इफेक्टिव टैक्स रेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना होगा। तो उसके लिए ये है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है वो लिया गया 1.373 बिलियन जो है डिवाइडेड बाय टोटल जो है इनकम बिफोर टैक्स है 8.306 बिलियन है, और जब ये इसको डिवाइड करेंगे इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय जो है इनकम बिफोर टैक्स जो है, तो ये हमारे पास इफेक्टिव टैक्स रेट जो है 16.53% आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है यानी कॉस्ट ऑफ डेट यानी 3.135 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 माइनस टी, तो टी बेसिकली यहाँ पे 16.53 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है आफ्टर टैक्स जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 2.63 बन जाएगी, क्योंकि ये कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट जो है वो अवेल किया गया है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट जो है आफ्टर टैक्स जो है वो कम बन रही है। अब ये वैल्यूज कहाँ से है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, डेट जो है, इनकम टैक्स जो है, ये वैल्यू कहाँ से आप जो है वो आप ले सकते हैं। तो अगर आप याहू फाइनेंस में जाएं, याहू फाइनेंस में आप जो है एबट लेबोरेटरीज जो है उसको आप जो है वो टाइप करें, तो यहाँ पे आपके पास इनकी जो है वो फाइनेंशियल्स आ जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान लिस्टेड फर्म्स पे काम कर रहे हैं तो फिर आप जो है investing.com पे जो है यहाँ पे आप टाइप करें, तो यहाँ से जो है वो फॉर्म्स आ जाएंगे, उनकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है वो स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज से मिल जाएंगे, डिफरेंट और वेबसाइट्स भी हैं जिससे भी आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ पे मैं एबिट पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये इसका जो है वो यहाँ पे याहू फाइनेंस में टाइप किया, तो उसने यहाँ पे मुझे वैल्यूज दे दिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल्स, ये आपके पास फाइनेंशियल टैब में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जो है ये चीज़ें यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट है 30 दिसंबर 2022 है, तो वहाँ से मैं यहाँ वैल्यूज आपको बता देता हूँ कि एक्सेल की शीट में वैल्यूज किस तरह से आप एंटर करेंगे। तो फर्स्ट जैसे थी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये आपको मिल जाएगा उसमें इनकम स्टेटमेंट में, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट, यस ये आपके पास है इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है 558,000 जो है ये आपको मिल गया। और उसके बाद क्या था डेट जो है बेसिकली, अच्छा डेट जो है वो बैलेंस शीट में होंगे, ठीक है बैलेंस शीट यहाँ से इसको मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, मुझे बैलेंस शीट भी चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट जो है यहाँ पे बैलेंस शीट क्लिक कर ली, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली था कि टोटल डेट थे यानी शॉर्ट टर्म भी या लॉन्ग टर्म भी, तो इसलिए मेरे टोटल डेट जो है 30 दिसंबर के मिल गए, तो जो के थे 17.716, तो मैंने यहाँ पे 17.716
716 जो है। अच्छा, ये तो याहू फाइनेंस है, तो इस तरह से इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इनके डेट, इनके एक्सपेंस जो है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, और इवन वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज ऊपर वाली यहाँ पे, यहाँ से मिली है। इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है, ये बेसिकली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल जाएगा। यहाँ से अभी चेक कर लेते हैं, मैंने दोनों ओपन कर लिए हैं, इनकम स्टेटमेंट भी और बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है। इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज हमें चाहिए, इनकम टैक्स, ये देखें, जो टैक्स प्रोविजन जो है वो यहाँ पे है 30 दिसंबर की जो है 1.373 जो है, तो ये 1.373 टैक्स प्रोविजन होगी। और इनकम टैक्स बिफोर, इनकम बिफोर टैक्स जो है वो यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ से प्री टैक्स के नाम से है, प्री टैक्स इनकम जो है ये 30 दिसंबर जो है यहाँ पे 1.8306 जो है, तो 8.306 यहाँ पे। तो अब आप जब डिवाइड करेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय इनकम बिफोर टैक्स जो है, तो इफेक्टिव टैक्स से आपके पास 60.53 आ जाएगा। और फिर जैसे फॉर्मूला में आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी, जो कि 2.63% है। अच्छा, ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेट जो है। अब जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ये कैपम के थ्रू कैलकुलेट की गई है, ठीक है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो अप्लाई किया गया है, और उसके थ्रू जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसकी एबिट फर्म की गई है, जिसमें रिस्क फ्री रिटर्न है प्लस बीटा है, और फिर मल्टीप्लाई किया गया मार्केट रिस्क प्रीमियम से। अच्छा, इसके लिए जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका लिंक जो है इस वीडियो की जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ये 10.47% कैसे आई है, तो मैंने पूरी उसकी डिटेल जो दे दी है। इवन वहां पे मैंने बीटा जो है वो तीन तरह से कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी स्लोप के थ्रू, फार्मूला के थ्रू, रिग्रेशन के थ्रू जो है, मैंने वहां पे भी बीटा कैलकुलेट किया हुआ है, और ये वहां पे उस वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का यहाँ पे हो गया 10.47% है। अब यहाँ पे है कि उसकी वेटेज क्या होगी, यानी देखें, ये आपके पास है कॉस्ट ऑफ डेट, ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.47% आ गई। अब इसकी वेटेज देखनी है, जो कि मल्टीप्लाई होगा, फिर आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा। तो वेटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देखें टोटल डेट, यानी डेट यहाँ पे आपके पास 17.716 है, ये मैंने कर लिया। और मार्केट कैपिटल, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, अगर आप समरी पे क्लिक करेंगे एबिट की जो है, और समरी पे क्लिक करने से देखें 168.338 बिलियन है ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ से मैंने इसको 168.338 जो है वो थाउजेंड्स में यहाँ पे दे दिया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 3 जीरोज है, थाउजेंड्स है, तो ये मैंने दे दिया। तो टोटल इसकी वैल्यूज बन जाएगी 186 बन जाएगी। और यहाँ पे आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि यहाँ पे डेट की निकालनी है, तो 17.7 डिवाइडेड बाय 186 आएगा, जो कि बन रहा है 9.52% जो है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कितनी, इक्विटी कितनी है, ये 168 डिवाइडेड बाय 186 जो है, तो यहाँ पे 90.48% बन रहा है, ठीक है। जब आपके पास ये वेटेज आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे, वैक में क्या करेंगे, जैसे फार्मूला में भी यहाँ लिखा हुआ है कि यानी ये कॉस्ट ऑफ डेट जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 पॉइंट जो है 52 से, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10.47 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 90.48% से, और इसका यहाँ पे जो है वो वेटेड एवरेज जो है वो कॉस्ट बन जाएगी 9.73% जो है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।